क्या आपने कभी सोचा है कि आपको लिथुआनिया वर्क वीज़ा दे सकती हैं और देती हैं आसानी के साथ। लिथुआनिया में काफ़ी ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज है, काफ़ी लोग चले भी गए हैं लिथुआनिया में, काफ़ी लोग वहाँ पर जा भी रहे हैं, उनको वर्क वीज़े मिल भी रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लिथुआनिया में, जिनमें मिनिमम सैलरी आपको 1,000-1,200 यूरो मिल जाती है। क्या आपने कभी लिथुआनिया के बारे में सोचा है कि इसके बारे में हमें अगर अप्लाई करें, जॉब अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है, और हमें वर्क वीज़ा मिल सकता है? आपने यकीन सोचा नहीं होगा। जिन लोगों ने सोचा है, जिन लोगों को पता है, ओके वेल एंड गुड। जिन लोगों को पहली बार ही बातें सुनने को मिल रही है, यू आर न्यू टू दिस एंड यू विल डेफिनेटली गेट लिथुआनिया वर्क वीज़ा, क्योंकि लिथुआनिया में क्या है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट कहती है लिथुआनिया की कि हम आपको ट्रेवल अलाउंस देंगे, ओके, जब आप वहाँ पर आएंगे वर्क वीज़े पर, क्योंकि इतनी वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है। आज मैं आपको लिथुआनिया के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर कंप्यूटर के सामने बैठे हूँ, मैं स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा, आपको मैं सिखाऊंगा किस तरह आप लिथुआनिया में वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं वहाँ पर ऑनलाइन, जो उनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। चलते स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन के ऊपर आने के बाद यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर देंगे आप, ओके, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे लिथुआनिया। लिंक भी दूंगे लेकिन अक्सर लोग लिंक की शिकायत करते हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। लिथुआनिया गवर्नमेंट, जी ओ वी, गवर्नमेंट पूरा ना लिखे, जी ओ वी लिख दें, जॉब्स, ओके, लिखेंगे आपके सामने ऑटोमेटिकली लीजिए आ भी जाएगा, इसको आप एंटर कर देंगे लिथुआनिया गवर्नमेंट जॉब्स। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ओके, यहाँ पर आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेना है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसको ओपन कर लेना है आपने। आपके सामने अब लिथुआनिया की वेबसाइट ओपन होने जा रही है, देखें। अब एक मिनट मुझे देखें, मेरी आंखों में ज़रा देखें, स्क्रीन को छोड़ देखें, एक मिनट, ये ले देखें मेरे पास, ये लिथुआनिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग ऑनलाइन फॉर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आप लोग जॉब फाइंड कर सकते हैं, स्किल जॉब, अनस्किल जॉब, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम है, यहाँ पर एक काम नहीं कि मैं जल्दी जॉब अप्लाई करूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं आप, काफ़ी तरीक़ों से आप यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँगा, और मैं एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं डालूंगा, मैं एक वीडियो में आपको एक तरीके समझाऊँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और तरीके समझाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप काफ़ी तरीक़ों से इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मैं एक वीडियो में समझाने लग जाऊँ सब कुछ, तो वीडियो तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट की बन जाएगी, क्योंकि लोग देखेंगे नहीं पर, और लोग देखना पसंद करते भी नहीं, इसलिए मैं आपको शॉर्ट समझाऊंगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर वीडियो एंड करूंगा। अब देखें, यहाँ पर आने के बाद अब स्क्रीन की तरफ देखें, अपने आंखें आप नज़र करम स्क्रीन के ऊपर डालें। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अभी कह रहे हैं कि देखें, ये एम्प्लॉयर के लिए सेक्शन दिया हुआ है, फॉर एम्प्लॉयर्स, ये दिया हुआ है फॉर जॉब सीकर्स के लिए, ये लेबर मार्केट आपको समझा रहा है लिथुआनिया में क्या सिचुएशन है, लेबर मार्केट की सिचुएशन क्या है, आप लाइव देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ओके। साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पर दिए कि आप पढ़ेंगे जॉब में लिथुआनिया में आप किस तरह जॉब अपन कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब, जो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वर्किंग कंडीशन क्या होंगी, और अवेलेबल वर्कर्स क्या है, सब कुछ सारी डिटेल्स दी हुई यहाँ पर, ये देंगे यहाँ पर, ये स्पेशलिस्ट की जॉब जो चाहिए लिथुआनिया में, कौन कौन चाहिए भाई, मार्केटिंग प्रोफेशनल चाहिए, टीचर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्सिंग प्रोफेशनल चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, एप्लीकेशन डेवलपर चाहिए, सिस्टम ई सारी, इंजीनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर ई सारी चाहिए, ओके। अब यहाँ पर अगर आप अंडर देखें तो यहाँ पर स्किल वर्कर भी चाहिए, यहाँ पर स्किल वर्कर में कौन कौन से, एक तो स्पेशलिस्ट हो गए ना, जॉब की कैटेगरीज होती है मेरे भाई, एक मिनट मेरी तरफ जरा देखें, जॉब की कैटेगरीज होती है, एक स्पेशलिस्ट होता है जो कि जिसको हाईली स्किल्ड माइग्रेंट कहते हैं, और इन्हीं बंदों को यूरोपियन यूनियन का EU ब्लू कार्ड मिलता है, EU ब्लू कार्ड मिलने के बाद ये बंदा यूरोप के किसी भी शेंजन जोन में काम कर सकता है, तो ये बड़ी अब डिपेंड करते हैं, अगर आप अगर आप खुशकिस्मत है आपके पास ये चीज़ें हैं, टीचर है, डॉक्टर है, नर्सिंग प्रोफेशनल है, मार्केटिंग प्रोफेशनल है, एप्लीकेशन डेवलपर है, इंजीनियर है, तो फिर आप ये कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करेंगे आप, सेकंड जो स्टेप आते हैं स्किल वर्कर, आप प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर है, स्किल वर्कर में आता है, तो यहाँ पर ही अवेलेबल है। देखिए आप टेलर की जॉब भी अवेलेबल है, कंक्रीट फिनिशर की जॉब अवेलेबल है, कार टैक्सी ड्राइवर की, प्लम्बर की, पाइप फिटर की, अलॉट अलॉट वेल्डर, सब कुछ। एट दी एंड हम कहेंगे, हम क्लास वाइज बात करते हैं ना, एट दी एंड हम आएंगे अनस्किल जॉब की तरफ, क्योंकि काफ़ी लोग बंदे ये लोग ये देख रहे होंगे मेरे भाई, वो अनस्किल्ड होंगे, तो अनस्किल जॉब की जॉब भी अवेलेबल है मेरे भाई, वो भाई भी भागने की जरूरत नहीं कि भाग जाए कभी, तो अनस्किल्ड स्पेशलिस्ट की जॉब है, PhD डॉक्टर चाहिए, नहीं, यहाँ पर अनस्किल्ड भी आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, ये देखिए क्लीनर लॉडर हो गया, हेल्पर हो गया, ठीक है, एक मिनट, अच्छा साइड पर ये क्या बोल गया, तो क्रॉस कर देंगे, अब ये क्या साइड पर आ गया, अच्छा ये देखिए आप साइड पे कंस्ट्रक्शन, ये लो स्किल, ये सारी की सारी लॉन्ड्री, अनस्किल्ड, सारी की जॉब यहाँ पर अवेलेबल है आपके साथ, ये तो आपको समझ आ गया, अच्छा यहाँ तक। अच्छा अब आपने करना क्या है, जो आपको मैंने बताया ना, एक मिनट मेरी तरफ देखते हैं कि मैं आपको एक तरीका समझाऊंगा इस एक वीडियो में, अगली वीडियो में एक और तरीका, क्योंकि इस वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा काम है, ओके,
चलते हैं। आपने क्या करना, आपने क्लिक कर देने फॉर एम्प्लॉयर्स के ऊपर जाएंगे आप एम्प्लॉयर नहीं है मुझे पता, लेकिन आप इस सेक्शन में जाएंगे, मेरा आपको तरीका समझाना है। आपने क्लिक कर देना है किसके ऊपर, क्लिक कर देना है रिक्रूटमेंट फॉर फॉरेनियर्स, यानी फॉरेनियर बैरून मुल्क से किसी को हायर करना, समझ आ रही है आपको मेरी बात। तो इसको क्लिक कर दिया आपने। अब यहाँ पर एट दी एंड क्या करेंगे, एट दी एंड आप यहाँ पर आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भी दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक कर दिया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के ऊपर, इसको इंग्लिश में कर दिया क्योंकि ऑटोमेटिकली लिथुनियन लैंग्वेज में चला जाता है क्योंकि लिथुनियन की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं, अच्छा नहीं, नीचे नीचे नहीं आएंगे, सॉरी, जब आप ऊपर आएंगे एक सॉरी माजरत करता हूँ, मैं ज़रा गलत हो गया था क्योंकि मैं समझ रहा था इसको नीचे, लेकिन नीचे नहीं ऊपर की तरफ आपने आने, ठीक है, ऊपर की तरफ आपने आने, आपने क्लिक कर देना जॉब सीकर के ऊपर, नजर आ रहे हैं आपको, और जॉब सीकर के ऊपर जो वैसे ही आप माउस रखेंगे आपके सामने नीचे आ जाएंगे सर्च फॉर वैकेंसीज, राइट, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना है। अच्छा, क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं लिथुआनिया में आप ऑफिशियली जॉब्स वैकेंसीज जो कि अवेलेबल है, स्किल अनस्किल आप सर्च कर सकते हैं, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, दिखाता हूँ मैं भी आपको, देखें। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, समझने वाली बात किस तरह की, यहाँ पर म्यूनसिपलिटी आपको नजर आ रही थी, म्यूनसिपलिटी दी हुई है ये, अच्छा एरिया दिया हुआ है वर्क प्लेस एरिया, और नीचे एक सैलरी का भी दिया हुआ है, तो इसको समझना है आपने किस तरह आपने यहाँ पर जॉब सर्च करनी है। देखिए, आपने म्यूनसिपलिटी को छेड़ना नहीं है, म्यूनसिपलिटी का मतलब होता है कोई भी म्यूनसिपलिटी हो, और सिटी समझ लें आप, शहर समझ लें, लिथुआनिया में कोई भी शहर हो, वो डजेंट मैटर, छोड़ लें इसको। एरिया में क्या, एरिया में आपका फील्ड पूछ रहे हैं, आप किस फील्ड में मार रखते हैं, किस फील्ड में आपको जॉब चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे पास महारत नहीं है, मैं किसी चीज़ का माहिर नहीं हूँ, मैं अनस्किल्ड हूँ, तो क्या करेंगे, यहाँ पर वो ऑप्शन भी आपके पास आ जाती है। अब शायद एक बात यार मेरी सुने माजरत के साथ, अक्सर ये पता नहीं ये रिकॉर्डिंग वीडियो में यहाँ पर ये लिस्ट शो नहीं होता, पता नहीं क्या मसला होता है, अगर आपको लिस्ट शायद शो हो रहा हो, अगर शो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, आपने क्लिक कर देने अपने एरिया के ऊपर, क्लिक कर देने आपके सामने लिस्ट आ जाएगी खुद बहुत। इस लिस्ट में यहाँ पर आपके पास अनस्किल्ड जॉब्स अवेलेबल है, लिखे हुए बाकायदा कि अनस्किल्ड जॉब्स, आप क्या कर देने, आपने क्लिक कर देने अनस्किल्ड जॉब के ऊपर, क्लिक कर दिया आपके सामने ये आ गया अनस्किल्ड जॉब, ओके, डन अंटिल हेयर। नाउ वर्क प्लेस एरिया क्या करेंगे, इसके लिए लिथुआनिया कर देंगे यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन। यहाँ पर सैलरी का एक फॉर्म, एक रेंज दिया हुआ है, आप कितनी सैलरी तक आपको जॉब चाहिए। अब मेरे भाई मुझसे अगर कोई पूछता है, कोई पाकिस्तानी बंदे से पूछता है, इंडियन बंदे से पूछते हैं, श्रीलंकन से, नेपाली से, वो कहेगा मुझे 100 यूरो का जॉब भी हो तो मुझे दिला दो, मुझे यूरोप जाना है। तो यहाँ पर आपने, लेकिन इसने इन्होंने एक रेंज दी हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपने एक स्पेसिफिक रेंज रखनी है, जिस रेंज से आप रखने के बाद आपको नीचे जॉब्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसे नहीं कि आप कर देंगे मुझे जीरो सैलरी दो कि मैं यूरोप लेकर जाऊँ, नहीं ऐसे नहीं करना, ना आपने ऐसे करना कि मुझे भाई 71,000 या 60,000 सैलरी दो, नहीं, आपने इसको रखना है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, एक मिनट, आपने इसको तकरीबन 800 और 900 यूरो के दरमियान में आपने इसको रखना है, रख दिया, सर्च एड के ऊपर क्लिक कर देंगे, अभी आपके सामने जॉब्स देखने को आ जाएंगे, देख रहे हैं, ये देखें जनाब, ये देखें, इसको इंग्लिश में कर दिया, तकरीबन 714 अवेलेबल जॉब्स आपके सामने आ चुकी है। अब देखें हेल्पर की जॉब, देख रहे हैं मेरे भाई, अनस्किल्ड फार्म वर्कर की जॉब, स्टिकर मेकर की जॉब, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की जॉब, किचन वर्कर की जॉब, हेल्पर की जॉब, एनिमल कीपर की जॉब, यानी एक पेट होगा एनिमल, उसको आपने कीप करना होगा, सारी की सारी देख रहे हैं भैया, इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें क्या चाहिए, इसमें कौन सी डिग्री चाहिए मुझे बताएं, इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, नर्सिंग की डिग्री चाहिए, डॉक्टर की डिग्री चाहिए, बाढ़ में जाए डिग्री हमें क्रिया, यहाँ पर जारी की आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, वेयरहाउस वर्कर की जॉब, ट्रक ड्राइवर की जॉब, देखें, देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, तकरीबन 700 जॉब्स अवेलेबल है अनस्किल्ड, वेयरहाउस मैन हो गया। अब जो भी यहाँ पर पेज दिए हुए, मैं टाइम दे नहीं करूँगा कि आपको पेज बाय पेज करा जाओ, मैं आपको तरीके समझाऊंगा आपने किस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा मकसद यही है। मैंने बताया था वीडियो के शुरू में कि मैं इसको लंबा नहीं करूँगा क्योंकि इस वेबसाइट में काफ़ी काम है, काफ़ी काम है इस वेबसाइट में, मैं आज सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करूँगा, एक टॉपिक के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे डिश वॉशर की जॉब चाहिए, मुझे डिश वॉशर की जॉब चाहिए, किचन में बर्तन धोना, जो कि जिसके लिए डिग्री नहीं चाहिए होती डेफिनेटली, और आप सारे लोग एलिजिबल है, आपको तकरीबन 950 यूरो सैलरी मिलेगी। मैंने बताया था ना तकरीबन एवरेज सैलरी लिथुआनिया में 1200 यूरो दरमियान में होती है, तो बिफोर टैक्स के बगैर, ओके। अब ये देखें रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रोफेशन किचन वर्कर आप होंगे, वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट नेसेसरी, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, ओके। एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, एबिलिटीज डजेंट मैटर, वी विल ट्रेन यू, आपको ट्रेन करेंगे, आप सिर्फ अप्लाई करके आ जाए, आपका सब कुछ कह रहे कि हम करेंगे। तो अभी आप मेरे भाई इसमें अभी मैं क्या कह सकता हूँ अभी आपको, अभी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए इतना चीज़ आसान लेकर आया हूँ मैं, तो अगर आप दिल को आपके दिल की खुशी मिली है, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
अच्छा देखें, अगर आप समझते हैं कि कभी आप ऐसे टेलीफोन का नंबर दिया हुआ है, हम कॉल नहीं कर सकते, हम इसको व्हाट्सएप नहीं कर सकते, तो कोई मसले की बात नहीं। एक जॉब तो नहीं है मेरे भाई, 7 साल के जो दरमियान में जॉब दी हुई आपको, तो आपको और भी काफ़ी ज़्यादा जॉब पड़ी हुई अनस्किल्ड, किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बिका तो मिली आपको, एक मिनट देखें, वापस बैक आ जाए। ओके, सेम जो वेबसाइट पर, सेम जो पेज पर आप आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, क्योंकि ये अगेन अगेन लेथोनी लैंग्वेज में चला जाता है, क्योंकि ये लेथोनी की वेबसाइट है, तो इंग्लिश में कर देंगे आप, ठीक है। एक मिनट, ट्रांसलेट अभी नहीं हो रहा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगर आपका पेज ट्रांसलेट ना हो तो आपने पेज को रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश करने के बाद आपका पेज इस तरह ट्रांसलेट हो सकता है। ओके, अच्छा यहाँ पर नीचे आ सकते हैं दोबारा आप, यहाँ पर कोई और जॉब के लिए अप्लाई कर, अगर आप समझते हैं कि वहाँ पर सिर्फ फोन नंबर अवेलेबल है, कोई मसले की बात नहीं। देखिए, फास्ट फूड प्रिपेयर की जॉब अवेलेबल है, फास्ट फूड आपने प्रिपेयर करना होगा, महीने की आपको 1300 सैलरी मिलेगी। असेंबलर की जॉब, हेल्पर की जॉब, मेरे भाई देख रहे हैं आप, वेयर हाउस वर्कर की जॉब अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वेयर हाउस वर्कर के लिए, क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। क्लिक कर दिए इसके ऊपर, मैं इसके इसमें आ गया। अब देखें, 1200 तकरीबन 4 यूरो आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ की। डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका ऑक्यूपेशन अनस्किल्ड असेंबलर होंगे, आप स्किल नहीं चाहिए आपको, वर्क एक्सपीरियंस आपका इज नॉट नेसेसरी, एबिलिटीज नॉट स्पेसिफाइड, एबिलिटीज यहाँ पर लिखी नहीं, मतलब चाहिए नहीं। ये डिस्क्रिप्शन क्या है, ये दी हुई डिस्क्रिप्शन क्या, आपने क्या क्या काम करना होगा, इस वेयर हाउस वर्कर लोडिंग अनलोडिंग ही करनी होगी आपने। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पर आपके पास कॉन्टैक्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कहते हैं कि आप रिक्वेस्ट करें हमें सीवी भेजें इस ईमेल पर, ईमेल अवेलेबल है। यहाँ पर भी आप आसानी से अपनी सीवी, अपना कवर लेटर भेज सकते हैं, ठीक है। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी सीवी कवर लेटर बनाएं और एक पीडीएफ फाइल में सेंड कर दें इसको, ठीक है। अगर क्योंकि पहले वाले जॉब में वहाँ पर फ़ोन नंबर था, ईमेल नहीं था, तो यहाँ पर ईमेल है, तो कोई मसले की बात नहीं, बेशुमार जॉब है। आप अगर कहीं आपके पास ईमेल अवेलेबल ना हो, किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर ले, सारी की सारी आपकी अनस्किल्ड कैटेगरी में आती है, ठीक है मेरे भाई। एंड में समझता हूँ यार कि आपको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कार से वीडियो में सब कुछ समझा दिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये काइंड ऑफ सीरीज चला रहा हूँ मैं, जिसमें मैं आपको बैठ कर आपसे सिर्फ बात नहीं करता, मैं आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि भैया आप हमें अप्लाई करने का तरीका भी समझाएं, इसलिए मैंने ये काम शुरू कर दिया ताकि आप लोगों को मैं समझाऊँ भी, बताऊँ भी चीज़ क्या है और करनी कैसे है, दोनों बातें, ठीक है। इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि मैं आपका भाई आपके लिए इस तरह कॉन्टेंट लाता रहता है। अपना भी मैं भी का ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।